जब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप क्या होता है, अब ये जो सारी की सारी इंग्लिश लिखी हुई है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है, क्योंकि वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप पूछा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपको पता होनी चाहिए कि व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जी, हमारे पास नीचे अगर आप देखें तो इसका फ्लो चार्ट भी जो है वो हमें बना हुआ मिल रहा है। ठीक है, फ्लो चार्ट किस तरह से काम करता है ये देख लें। आपने जो हमारे डायमंड के अंदर है ना फ्लो चार्ट का भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से इसका फ्लो चार्ट की डायग्राम बनाई जाती है। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये डायमंड के अंदर जो है ना हम कंडीशन लिखते हैं और इस तरह से रिक्टेंगल के अंदर जो है वो हम लूप मतलब बॉडी ऑफ लूप लिखते हैं। ठीक है, अब व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है ये देख लें। द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट इफ द इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी। इसका क्या मतलब है, वो क्या कह रहे हैं कि कैसे हमारा ये व्हाइल लूप काम करता है। सबसे पहले हमारी कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जी एन इज इक्वल टू, वैसे अभी नीचे वाली एग्जाम्पल जब आएगी ना नीचे चले वो वहां पर ही हम देख लेंगे, इस तरह से ज्यादा हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर इसकी वर्किंग कैसे है, क्या कह रहे हैं कि ये सबसे पहले कंडीशन को देखा जाता है। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है ना तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर चला जाता है, लूप की बॉडी के अंदर। यानी मैंने बॉडी कौन सी बोली थी, ये जो ब्रैकेट के अंदर हम चीजें लिखते हैं ना उसके अंदर हमारा कंट्रोल आ जाता है, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या, द कंट्रोल मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड इवैल्यूएट्स द कंडीशन अगेन। अब कंडीशन ट्रू थी तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे गया, बॉडी में, लूप की बॉडी में। अभी ऊपर बताया था ना पीछे कि सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं उसके बाद उसकी बॉडी होती है, तो यहाँ पर देख लें जी, ऊपर भी देख लें, यहाँ पर हमारी ये देख लें कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप की बॉडी में जाएगा। और लूप की बॉडी कौन सी है, जहां से ब्रैकेट हमारी स्टार्ट हुई और जहां पर ब्रैकेट हमारी एंड हुई, ये हमारी लूप की बॉडी है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू थी तो इसने लूप की बॉडी चलाई, उसके बाद दोबारा से ये कंडीशन पे जाता है। देख लें, ये आपको एरो के निशान नजर आ रहे हैं ना, ये दोबारा से कहाँ पे जाता है, ये कंडीशन पे जाता है, फिर से वो कंडीशन को देखता है। ठीक है, फिर से वो कंडीशन को देखता है, अगर कंडीशन दोबारा से ट्रू हुई दोबारा से क्या करेगा, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर से वो कंडीशन के पास आएगी, एग्जीक्यूट हुई उसमें जो भी स्टेटमेंट थी वो उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। दोबारा से हमारा कंट्रोल कहाँ पे आया, कंडीशन के पास। कंडीशन अगर फिर से हमारी ट्रू होती है फिर से हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल हमारा लूप की बॉडी के अंदर, यानी इस ब्रैकेट्स के अंदर जाएगा, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। दोबारा से हमारा कंट्रोल जब एग्जीक्यूट कर लेगा दोबारा से वो कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, हमारा कंडीशन के अंदर। अच्छा जी, अब देखें, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है उसने उसको एग्जीक्यूट किया, दो दूसरी को किया, फिर तीसरी को, चौथी वाली स्टेटमेंट उसकी लास्ट वाली स्टेटमेंट थी, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जब जैसे ही वो इस ब्रैकेट को रीड करता है ना उसको समझ आ जाती है कि अब मैंने वापस कहाँ पे जाना है, मैंने कंडीशन अपने व्हाइल लूप यानी अपनी कंडीशन के पास आना है। अब यहाँ से भी पढ़ के मैं बता देती हूँ, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक ये मेरी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, तो मेरा ये जो है प्रोसेस जो है ये मेरा लूप जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। अब ये कब हमारा लूप, ये देख ले, ये लूप नहीं चल रहा, कंडीशन ट्रू हुई, वापस इसकी बॉडी में आया, फिर से वो कंडीशन के पास आया, फिर उसकी कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो बॉडी के पास आया, फिर से वो किस में कहां पे आया, लूप के कंडीशन के पास आया, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, फिर से वो बॉडी में आया, फिर से वो बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन में आया। देख लें ये लूप ही तो हमारा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये लूप कब टर्मिनेट होगा, कब खत्म होगा, जब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। मतलब हमारी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है ना तो ये क्या होगा, ये अब ये इसकी लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब मैं ऊपर से भी आपको बता देती हूँ, यहाँ से यहाँ पर देख लें, अब मेरी कंडीशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद अब वो क्या करेगा, इन ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब इनकी इसके अंदर जो कुछ भी था उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसकी ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दी है जी, प्रिंट एफ में लिख दिया है एंड प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम एंड मैंने लिख दिया है, तो अब क्या करेगा ये, वो यहाँ से एग्जीक्यूट, यहाँ पर अब मुझे ठीक से लिखा नहीं जा रहा, तो आप जो है वो देख लीजिएगा ध्यान से। अब क्या किया है, कंडीशन मेरी हुई है ये फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हुई है तो अब उसने इस वाली ब्रैकेट्स को, इसकी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करना, उसके बाहर ब्रैकेट जहाँ पर हमारी खत्म हुई है उसके बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी, अब वो उन स्टेटमेंट्स को क्या करना शुरू कर देगा, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। हो सकता है यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हो। ठीक है, ये बात समझ में अब आ गई है ना आपके। अब क्या जी, द लूप नेवर एंड्स इफ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा लूप जो है वो एंड नहीं होता जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, और अगर वो एंड नहीं हो रहा तो उस लूप को हम क्या कहते हैं, ये देखिए, लूप दैट नेवर एंड्स इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। ठीक है, अब हमारा लूप जो है वो चलता जा रहा है जी, हमारे जो है वो आउटपुट आती जा रही है, वो रुकी नहीं रही। ठीक है, वो यानी इसका मतलब है कि उसकी कंडीशन ट्रू होती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, जहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो हमेशा ट्रू रहती है और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड नहीं होता, उस लूप को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है,
अब ये एग्जाम्पल के साथ उसके नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये सारी जो भी अंग्रेजी इन्होंने लिखी हुई है ना, ये मैं आपको उर्दू में बताऊंगी सारी की सारी यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, ठीक है। इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए मैं आपको ये सारा का सारा जो है वो आपको बताऊंगी कि क्या इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, फिर आप खुद उसको रीड करके देख सकते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जो एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 times यूजिंग while loop, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर कितनी दफा, 5 दफा आपने प्रिंट करवाना है, और किसको यूज करना है, while loop को यूज करना। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लूप्स ना होते तो हमने पाकिस्तान को किस तरह से 5 दफा प्रिंट करवा सकते थे, आपने ये कमेंट में जरूर बताना है किस तरह से आप पाकिस्तान को 5 दफा प्रिंट करवा सकते थे अगर हमारे पास लूप मौजूद ना होते, while loop मौजूद ना होता। ये जो है इस बात का आंसर मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, लेकिन आप जो है वीडियो को पॉज करके आपने आंसर जरूर देना है, ठीक है। मैं आपके आंसर जरूर पढ़ूंगी, आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगी, जिसका अच्छा हुआ, जिसने सही से राइट आंसर किया हुआ उसको जो है वो शाबाश मिलेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जरूर इसका आंसर बताना है। अब यहाँ पर देख लें, आपने भी बताना है और फिर मैं भी बता देती हूँ। अगर हमारे पास वाइल लूप ना होते ना मौजूद, तो हमने क्या करना था, हमने प्रिंट एफ में क्या लिखना था, ये देखने जी, हमने प्रिंट एफ में लिखना था, ठीक है। ये आप अपने स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, ये अब मुझसे यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा, लिखा नहीं जा रहा, तो सो इसलिए ये इस तरह से कुछ लिखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर देख लें जी, प्रिंट एफ में मुझे क्या लिखना पड़ना था, प्रिंट एफ का सिंटेक्स लिखा और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पाकिस्तान, ठीक है। ये अब स्क्रीन पर एक दफा शो करवाएगा, अब मैंने 5 दफा शो करवाना है विदाउट वाइल लूप, जब वाइल लूप हमारे पास मौजूद नहीं था। फिर से मैंने क्या लिखा है, फिर से मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ, और फिर से मैं लिखूंगी पाकिस्तान, इसी तरह इस स्टेटमेंट को मैं 5 times लिखूंगी, देन जाके मेरे ये वाली आपको आउटपुट शो होगी। अब आप कह रहे होंगे कि 5 दफा लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लिख लेंगे 5 दफा, इसमें क्या, हम क्या वाइल लूप पढ़ने बैठे और सीखने बैठे, हम तो इस तरह से भी लिख लेंगे। बच्चों यहाँ पर अगर सिर्फ आपको भी 5 times के लिए बोला गया कि आपने 5 times प्रिंट करवाना है पाकिस्तान स्क्रीन पर, लेकिन अगर आपको बोला जाता कि आपने जो है इसको 1000 times आपने स्क्रीन पर पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, तो क्या आपके लिए पॉसिबल था कि आप 100 times जो है वो thousand times जो है वो आप उसको पेपर पर लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं था। अब देख लें बच्चों, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं था कि आप 1000 times जो है वो प्रिंट एप की स्टेटमेंट लिखते, आपको 3 से 4 घंटे लग जाने थे, उसके बाद आपका हाथ दर्द करना था, और आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो उससे भी आपका क्या होना था, आप मतलब इतना ज्यादा आप नहीं लिख सकते थे। अगर लिखते भी हैं, अगर कहें कि हम लिख सकते हैं, तो आपको काफी टाइम लगना था और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़नी थी। इस वजह से जो है वो हमारे पास ये लूप्स आए हैं, जिससे हमारा काम जो है विद इन दिस सेकंड जो है, और कम कोडिंग में, नंबर ऑफ लाइंस में, कम नंबर ऑफ कोडिंग में जो है वो क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं। अगर मैं देख लें लाइन ऑफ कोड्स भी देख लें, अगर मैं यहाँ पर 1000 times वाइल लूप मतलब ये लिखने बैठती पाकिस्तान, तो मुझे देख लें 1000 lines हो जानी थी इसकी पाकिस्तान लिखने की, उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो चीजें हम लिखते हैं उनको लिखते हुए कितना लंबा कोड हो जाना था। अब देख लें मैंने क्या, हमने यहाँ पर क्या किया, वाइल लूप को यूज करते हुए सिर्फ ये चंद लाइंस में ही मैंने अपना कोड जो है वो लिख लिया है, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ 5 दफा नहीं, आप इसको 5 lakh दफा कहेंगे प्रिंट करवाओ, ये 5 lakh दफा प्रिंट करवा देगा सिर्फ एक स्टेटमेंट के चेंज करने से। और अगर आप 5 lakh दफा लिखने बैठेंगे तो काफी दिन ही आपके गुजर जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये लूप्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा काम जो है वो जल्दी से हो जाता है, और हमने जो भी प्रोग्रामिंग करनी होती है, हमें नंबर ऑफ कोडिंग जो है, लाइन ऑफ कोड जो है, वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखने उन्होंने सिर्फ सिंपल सा ये हमें छोटा सा प्रोग्राम दिया कि आपने 5 दफा स्क्रीन पर जो है वो पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, और किसको यूज करते हुए, वाइल लूप को यूज करते हुए। अब ये क्या है, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की हुई है। ये एसटीडीओ, ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, ये भी आपको पता है जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर्स लिए हुए हैं। हमारी मेन ये जी, उसके बाद हम वाइड मेन लिखते हैं, यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है, ये प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई है, और लास्ट में ये प्रोग्राम की बॉडी क्लोज हुई है। अब यहाँ पर देखने, हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल जो है वो हमारा क्या है जी, इंटीजर टाइप का। कैसे हमें पता चला, क्योंकि उन्होंने कहा 5 times आपने पाकिस्तान लिखना है, तो इसका मतलब है कि कोई हमने इंटीजर ही वैल्यू लेनी, हमने फ्लोट तो नहीं लेनी कि उसको 5 दफा हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब ये वेरिएबल एन क्या काम करेगा, आपके काउंटर को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कि हमने पाकिस्तान जो है वो 5 दफा प्रिंट करवाना है। सबसे पहले आपने ये वेरिएबल लिया, वेरिएबल अगर आप नहीं लेंगे तो आपका कभी भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब हमें कोई ना कोई वेरिएबल लेने पड़ते हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल ले लिया एन इंटीजर टाइप का, उसके बाद क्या है जी, हमने एन की वैल्यू रख ली 1। अब ये आप कहेंगे ये वैल्यू कहाँ से आई है जी, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने सिंपली हमें एक छोटा सा प्रोग्राम दिया कि आपने 5 दफा जो है वो पाकिस्तान प्रिंट करवाना है। उन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला कि आपने यूजर से वैल्यूज लेनी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर बोला जाता कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है, तो फिर हमने यहाँ पर यूजर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करके स्कैन ऐप यूज करके यूजर से वैल्यू ले लेनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा सिंपली कि 5 दफा आपने पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, तो सारी सी बात है कहीं ना कहीं से तो हमने वैल्यू स्टार्ट करनी है ना, तो उसको हमने इस वेरिएबल को अब हमने कोई एक वैल्यू दे दी कि इसने कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से ये स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हमने खुद से इनिशियलाइज करवाई,
आपने खुद से ही करवानी है। अगर आपने यूजर से वैल्यू नहीं लेनी तो आपने खुद यहाँ पर बताना है कि मेरी एन की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल जो आपने लिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 5 टाइम प्रिंट करवाना है तो जाहिर सी बात है हम एक से इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें एन में मैंने क्या रख दिया 1। अब यहाँ पर साथ साथ में आपने इसकी वर्किंग भी देखने जानी है, एन में क्या पड़ा हुआ है 1। उसके बाद ये बताया आपको ये हम फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, सीएलआर, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखने जी वाइल लूप हमारा स्टार्ट हो गया। अब मैंने वाइल लूप का आपको सिंटेक्स क्या बताया था, सबसे पहले आपने वाइल का कीवर्ड लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी है। और कंडीशन हमारी कौन सी होती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन से जो है वो हमारी कंडीशन बनती है। तो देख लें ये कंडीशन ही लिखी हुई है और इसमें कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है, रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है, ये बात हमारी क्लियर हुई। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है वाइल लूप की और ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब ये देख लें, ये वाइल लूप की ब्रैकेट स्टार्ट है और ये वाली वाइल लूप की ब्रैकेट क्लोज हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको लास्ट वाली नजर आ रही है ना, ये मेन की है, ये हमारे मेन फंक्शन जो है ना उसकी बॉडी है, ये मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई है और ये बॉडी एंड हुई है, ठीक है। हमारा मेन फंक्शन हमेशा से जब हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हो जाता है ना, तब उसकी हम बॉडी को क्लोज करते हैं और बाकी जितने भी चीजें आएंगी ना वो उसके अंदर ही क्लोज होंगी। ये हमारी वाइल लूप की क्या है, ये बॉडी है। अब देखें वाइल लूप में हमने लिखा एन लेस देन इज इक्वल टू 5। अब ये 5 कहाँ से पता चला, यहाँ से कि उन्होंने कहा 5 दफा लिखना है तो एंड हमारी जो है जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब एन लेस देन इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया जी, लेस देन इज इक्वल टू कैसे लिखा, अब हमने वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, तो जाहिर सी बात है जब तक मेरी वैल्यू 5 से छोटी रहती है तब तक तुम क्या करते रहो, पाकिस्तान को प्रिंट करवाते रहो, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एन लेस देन इज इक्वल टू 5। अगर कुछ बच्चे और भी कंडीशन लिख सकते हैं, अब जरूरी नहीं कि आप यही कंडीशन लिखे, अभी स्टार्टिंग है ना तो अभी आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा समझे, एंड पे भी मैं आपको साथ साथ में भी बताती जाऊंगी कि इसकी अल्टरनेट कंडीशन हम और किस तरह से लिख सकते थे, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग है तो अभी मैं इतना आप पर बर्डन नहीं डालूंगी, अभी आप सिर्फ इतनी से सिंपल सी बात को समझे, ठीक है। वाइल लूप है, वाइल लूप की कंडीशन हमने लिख दी, उसके बाद उसकी बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी स्टार्ट हुई तो हमने लिखा जी प्रिंट एफ करवा दो। देख लें प्रिंट एफ में ही लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगाई, इसका सिंटेक्स आपको मस्ट याद होना चाहिए प्रिंट एफ का भी। ब्रैकेट के अंदर हमने जो है कोटेशंस लगाई हैं, ये जो हमने डबल कोटेशंस लगाई हैं, उसके बाद क्या जी उसके अंदर हमने लिख लिया है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान लिख दिया। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्या था, बैकस्लैश एंड एस्केप सीक्वेंसेस थे, सीक्वेंस था, ठीक है। अब आपको पता हो ये भी हमने जो है वो चैप्टर्स में पढ़ा है, 9 चैप्टर में जो है या 8 चैप्टर में जो है, ये हमने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े हैं। ये क्या करता है बैकस्लैश एंड, आपके जो है जब आपके स्क्रीन पर आपके आउटपुट शो करवाता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है खुद ब खुद, ये बैक स्लैश एन का ये काम होता है कि आपके जो भी प्रिंट एफ में स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, फिर से वो एग्जीक्यूट होगा, फिर से वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना पाकिस्तान पहले एक लाइन में लिखा हुआ है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये बैक स्लैश एन जिसे हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं इसकी वजह से पॉसिबल हुआ। अगर मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन ना लगाती तो ये वाला मेरा पाकिस्तान जो है ना वो इसके साथ आना था, फिर ये मेरा थर्ड वाला पाकिस्तान यहाँ पर लिखा जाना था, मतलब एक ही लाइन में मुझे 5 दफा पाकिस्तान शो होना था। तो इसलिए आउटपुट को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाया गया है। अब यहाँ पर बैकस्लैश एन लगाने के बाद देखते हैं सेमीकोलन लगाया है और एन प्लस प्लस लिखा है। एन प्लस प्लस क्यों लिखा है, अगर मैं यहाँ पर एन प्लस प्लस नहीं लिखूंगी तो ये क्या करेगा, ये लूप के पास जाएगा दोबारा से। अब एन में क्या पड़ा हुआ है, 1 नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। एन के पास 1 है तो वो क्या करेगा, लेस देन 5 है तो वो क्या करेगा, पाकिस्तान फिर से प्रिंट करवा देगा, फिर से वो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, फिर भी एन में 1 पड़ा हुआ है, फिर से वो क्या करेगा, पाकिस्तान प्रिंट करवा देगा, थर्ड टाइम गया, फोर्थ टाइम जाएगा, फिर भी एन में 1 है वो, फिर उसने पाकिस्तान प्रिंट करवा दिया, वो फिफ्थ टाइम जाएगा, फिफ्थ टाइम भी एन में क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है, फिर से वो प्रिंट करवा देगा, मतलब वो सिक्स टाइम जाएगा, सिक्स टाइम पे एन में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो वो फिर से पाकिस्तान प्रिंट करवा देगा। मतलब कि आपका लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ऑलवेज कंडीशन जो है वो हमारी क्या रह रही है, ट्रू रह रही है, एन में पड़ा ही 1 है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो अपने वेरिएबल्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, ये मस्ट करते हैं ताकि हमारा एग्जीक्यूट जो लूप है वो उतना ही एग्जीक्यूट हो जितना के हम चाहते हैं, जितनी हमारी स्टेटमेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एन प्लस प्लस, कि अब ये काम क्या करेगा, वाइल लूप की उसने कंडीशन उसने चेक की, वाइल लूप एन में क्या पड़ा हुआ है, 1, एन लेस देन इज इक्वल टू 5 जी, एन जो है वो लेस देन है इज इक्वल टू 5। अब क्या होगी, हमारी कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, ठीक है। कंडीशन ट्रू होने पर फिर क्या करते हैं, ये हुई कंडीशन ट्रू, वो बॉडी में आया, यही बात बताई थी ऊपर, वर्किंग बॉडी में आया, उसने क्या किया, पाकिस्तान लिखा, पाकिस्तान लिख दिया, उसने फिर सेकंड वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। आपकी इस बॉडी में चाहे 10 स्टेटमेंट है, चाहे 1 स्टेटमेंट है, चाहे आपकी 1000 स्टेटमेंट लिखी है, ये उस सारी की सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसको वाइल लूप की एंड वाली बॉडी ब्रैकेट नहीं मिलती, ये उतनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब वो सेकंड स्टेटमेंट में आया है, उसने क्या क्या किया जी, एन प्लस प्लस देखा है, तो एन प्लस प्लस का क्या मतलब है, एन में जो भी वैल्यू है इसमें प्लस 1 कर दो, ठीक है। ये एन का क्या मतलब है, एन की जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो, एन प्लस 1 कर दो। अब एन में 1 था तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब एन में क्या पड़ा हुआ है, अब एन में पड़ा हुआ है 2, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, अब ये ब्रैकेट मेरी क्लोज होगी। अब मैंने कहा था ना, जैसे ये व्हाइल लूप की बॉडी क्लोज होती है, एंड वाली ब्रैकेट आती है, दोबारा से लूप हमारा कहाँ पर आता है, व्हाइल लूप पर कंडीशन पर आ जाता है। अब एंड में क्या पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है, टू पड़ा हुआ है, वो नीचे आया, उसने फिर से पाकिस्तान प्रिंट करवाया। ये पहले पहले ये वाला पाकिस्तान प्रिंट हुआ था, अब सेकंड वाला पाकिस्तान प्रिंट हुआ, कंडीशन ट्रू थी ना, तभी नीचे आया। उसके बाद फिर उसने क्या किया, एन प्लस प्लस, यानी एन की जो भी वैल्यू है उसमें क्या कर दो, वन ऐड कर दो। अब टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया। अब थ्री पे जाके अब देखें, दोबारा से उसने वापस लूप अपनी कंडीशन में आना। ये कंडीशन कब, जब तक ट्रू रहती है ये चलती रहेगी, जब फॉल्स होगी तब ये बाहर आएगा इस अपनी जो बॉडी है, लूप की बॉडी से, वाइल लूप की बॉडी से फिर बाहर आएगा। अब उसने देखा जी दोबारा से वापस क्या एन की वैल्यू में, एन में क्या पड़ा हुआ है, थ्री पड़ा हुआ है। उसने क्या किया जी, फिर से उसकी बॉडी में आया, थ्री प्रिंट करवाया, मतलब पाकिस्तान थर्ड टाइम प्रिंट करवाया। उसके बाद फिर से उसने देखा एन प्लस प्लस है, अब उसने क्या किया, थ्री प्लस वन किया, ठीक है, एन की जो भी वैल्यू उसमें प्लस वन कर दो। एन की एन में क्या आ गया, अब फोर आ गया, ठीक है, ये एन की वैल्यू है। एन में फोर आया, फोर उसने चेक किया, कंडीशन ट्रू हुई। फिर उसने वाइल लूप की बॉडी में आया, उसने क्या किया जी, पाकिस्तान फिर से फोर्थ टाइम प्रिंट करवा दिया। फिर से उसने देखा एन प्लस 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 है, यानी एन की जो भी वैल्यू उसमें क्या कर दो, प्लस वन कर दो। अब ये क्या हो गया, ये फाइव हो गया। अब फाइव को उसने देखा, फाइव लेस देन और इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है ना, वो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, फाइव फाइव के फाइव इक्वल तो है ना। अब उसने क्या किया है, फाइव ये कंडीशन ट्रू थी, नीचे आया, उसने फिर से पाकिस्तान फाइव टाइम प्रिंट करवाया। और फिर उसने क्या किया है कि जो भी एन की वैल्यू उसमें वन ऐड कर दो। उसने अब क्या किया जी, फाइव की वैल्यू थी, फाइव प्लस वन किया तो क्या वैल्यू आ गई, सिक्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सिक्स आ गई, एन में अब मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये देख लें, एन में अब मेरे पास है सिक्स। अब वो क्या करेगा, यहाँ से वापस गया लूप कंडीशन के पास। अब उसने देखा सिक्स लेस देन और इज इक्वल टू फाइव, नो, क्या सिक्स जो है, छह नंबर जो है वो हमारा छोटा है या बराबर है पांच के, नहीं है, तो कंडीशन क्या हुई, मेरी फॉल्स हुई। अब वो क्या करेगा, ये वाली बॉडी जहाँ पर हमारी ये वाइल्ड लूप की बॉडी खत्म हो रही थी ना, उससे बाहर आएगा, यानी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गेट सी एच, यानी आपको क्या कर देगा, आपकी आउटपुट आपको शो करवाने के बाद आपको दोबारा से आपका जो है वो आपको कोडिंग पे ले आएगा, ठीक है, या आपकी आउटपुट जो है वो रुकी रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गेट सी एच से पहले लिख देती हूँ जी प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है। इसके बाद क्या है, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, इससे पहले गेट सी एच के से पहले मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ में लिख दिया एंड प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एंड प्रोग्राम लिख दिया। अब आपको लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा स्क्रीन पर एंड प्रोग्राम, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ आउटपुट स्क्रीन ही जो है वो शो होती हुई नजर आएगी और कुछ भी नहीं काम होगा, ठीक है। ये थी आज की जिसमें हमने आपको मैंने एग्जांपल बताई। अब यहाँ पर नीचे वही सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको सारी ए टू जी बताई है ना, ये सारी वही वाली एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगर मैं इसको रीड करने बैठूंगी तो लेक्चर और ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपने जो है इसको अगर आप एक दफा रीड करेंगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आप नहीं रीड करना चाहते, आप सिर्फ मेरी ही सुनना चाहते हैं, तो आप मेरी वर्डिंग को भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है, ए टू जी चीज लिखी हुई है, डिटो कॉपी आपने वही करना है, नहीं, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन बता दी, व्हाइल लूप क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने इस वीडियो में आपसे एक्सप्लेन किया है, और ये भी बता दिया कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है और किस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है वो व्हाइल लूप के मोस्टली आपको प्रोग्राम से ही आते हैं, या टू नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन व्हाइल लूप का आता है। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस इन वीडियो से फायदा उठा सकें और अच्छे से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें, अच्छे से जो है वो प्रोग्रामिंग को समझ सके। और अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।